हेलो, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीके। आज हम एक नया सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि है इलेक्ट्रिकल मशीन वन। हाँ, ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन वन है ये बेस करता है हमारा जो बीपीयूटी का सिलेबस के में जो इलेक्ट्रिकल मशीन वन है उसमें जो भी सिलेबस जो जैसे भी है हम इस सेशन में उसी को ही कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल मशीन वन में शुरू होता है, शुरू करेंगे हम डीसी मशीन से ही। हम पहले यहाँ पर शुरू करेंगे। तो डीसी मशीन में हम इस क्लास में हम सिर्फ देखेंगे कि जो डीसी मशीन है हम उसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। डीसी मशीन में सिर्फ ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, तो डीसी मशीन में क्या क्या चीज है वो हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू डीसी मशीन, तो यहाँ पर हम देखेंगे मशीन के बारे में जानेंगे पहले, देन हम जानेंगे डीसी मशीन क्या क्या है, देन उसका एडवांटेज क्या है और डीसी मशीन का एप्लीकेशन क्या है। बस इतने में ही हम इस जो डीसी मशीन चैप्टर है इसी को ही हम कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये है मशीन। तो मेसिन क्या है ना, हमें पहले से ही पता है मेसिन क्या होता है ना। किसी भी चीज को करने के लिए वो आसान कर देता है, हमारे काम को वो थोड़ा आसान कर देता है। ठीक है, जो कि काम हम नहीं कर सकते पर वो मेसिन के थ्रू हम इजीली उस काम को कर सकते हैं। तो मेसिन का डेफिनेशन वो क्या बोल रहा है कि ये जो डेफिनेशन लेमैन डेफिनेशन है, तो मेसिन का डेफिनेशन क्या है ना, मेसिन इज ए पीस ऑफ इक्विपमेंट व्हिच यूजेस इलेक्ट्रिसिटी और एन इंजिन इन ऑर्डर टू डू ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क। ये काम करने के लिए यूज होता है जो कि हमारा काम को थोड़ा आसान कर देता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हम आ, आ, पैदल चल के जा रहे हैं। हम पैदल चल के जा रहे हैं पर जितना हमें जितना डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं, पर अगर हम साइकिल यूज करके जाएंगे तो उसमें क्या होगा ना, तो हमारा एनर्जी भी थोड़ा एनर्जी जो है वो थोड़ा बच जाएगा और क्या होगा ना, हम कम टाइम में वो डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मशीन को यहाँ पर हम क्या किए हैं ना, तीनों भागों में हम डिवाइड कर दिए हैं। एक क्या है ना स्टैटिक मशीन, सेकेंड क्या है ना REM बोलते हैं शॉर्ट में, REM। REM का फुल फॉर्म क्या होता है ना, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। देन होता है लीनियर एब्रेशन मशीन। ओके, तो स्टैटिक मशीन में हमारा क्या जाएगा ना, यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर चला जाएगा स्टैटिक मशीन में। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्यों, क्योंकि ये रोटेट नहीं करता है, एक ही जगह में वो रहता है, इसीलिए स्टैटिक मशीन। उस मशीन में हमारा चला जाएगा ये ट्रांसफार्मर चला जाएगा। तो जो ये रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है यहाँ पर क्या जाएगा ना, हमारा जेनरेटर भी जाएगा और क्या जाएगा ना, मोटर भी यहाँ पर हमारा जाएगा। ठीक है, जनरेटर एंड मोटर यहाँ पर इस कैटेगरी में जाएगा। और लीनियर मशीन में क्या होता है ना, एक टाइप का मशीन होता है वो लीनियर फंक्शन करता है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, हमारा सिलेबस में भी है स्टैटिक जो मशीन है ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में भी मशीन वन में हम पढ़ेंगे। तो ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में हम क्या पढ़ेंगे ना, REM के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या है ना, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, जिसमें हम पढ़ेंगे मोटर एंड जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया ना, यहाँ पर देखो जो हम डिवाइड कर दिए थे ये तीनों भाग में, पहले से जो स्लाइड था वो बता दिया था। देन हम अभी इसको किस में डिवाइड किए ना, जो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। ठीक है, एक कैटेगरी क्या है ना, एक हमारा मोटर है और एक कैटेगरी हमारा जेनरेटर है। ठीक है, तो मोटर एंड जेनरेटर ये दो कैटेगरी में हम रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन को हम क्या किए ना, डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये जो मोटर एंड जेनरेटर है उसका बेसिक एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल। वो हम जो डिटेल्स में हो कौन से वर्किंग वर्किंग प्रिंसिपल में काम करता है वो तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, मैं आज सिर्फ बेसिक चीज के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल उसका क्या होता है ना, इलेक्ट्रो
मैकेनिकल कन्वर्शन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर क्या होता है ना, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्शन कन्वर्शन ऑफ एनर्जी। ओके, तो यहां पर जो मोटर एंड जनरेटर में क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्शन ऑफ एनर्जी ये होता है ना? तो इसमें एक्चुअली में क्या होता है ना, जब हम रिसीव करेंगे, मतलब इनपुट साइड में हम रिसीव करेंगे, इनपुट सपोज एक सिस्टम है, तो ये उसका इनपुट साइड है, ये सपोज उसका आउटपुट साइड, ठीक है। हाँ, तो अगर इनपुट साइड में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड आउटपुट साइड में हम मैकेनिकल एनर्जी पा रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे ना, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्शन हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे ना, मोटर बोलेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे ना, मोटर बोलेंगे। अगर अगर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल हो रहा है, हम इसको क्या बोलेंगे ना, जेनरेटर बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे जेनरेटर। ओके, जेनरेटर हम बोलेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है ना, जब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, घर पे जो लगा है सीलिंग फैन लगा है, तो वहां पर क्या होता है, हम स्विच डालते हैं, स्विच डालने से क्या होता है ना, स्विच को ऑन करने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जाके फैन में क्या होता है ना, वो रोटेट करना शुरू होता है। तो वहां पर क्या हुआ ना, इलेक्ट्रिकल इनपुट में क्या दिया ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन आउटपुट में वो क्या हुआ ना, वो रोटेट करने वो लगा, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गया, तो उसी को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे ना, मोटर बोलेंगे। ये जो चीज है इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्शन, ये एक बेसिक, ये जो चीज है ये बेसिक चीज है, ठीक है, बेसिक चीज का उसका जो प्रिंसिपल है, बेसिक चीज प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जेनरेटर क्या करता है ना, जेनरेटर हमारा क्या करता है ना, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है, क्या करता है ना, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हमें करके देता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ना, हमारा यहाँ पर मोटर और जनरेटर को दो भाग में डिवाइड कर दिए, कहाँ से ना, रोटेटिंग मशीन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, वो एक है मोटर और दूसरा है जनरेटर। ओके, तो वैसे ही मोटर को हम क्या डिवाइड कर दिए ना, मोटर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, एक एसी मोटर और एक डीसी मोटर। जनरेटर को भी उस तरीके से डिवाइड कर दिए, एक एसी जनरेटर, एक डीसी जनरेटर। तो एसी क्या होता है ना, एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी होता है क्या ना, डायरेक्ट करंट। हाँ, तो वहां से जो हमारा टॉपिक था, हमारा टॉपिक क्या था ना, हमारा टॉपिक था कि डीसी मशीन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आ गया हमारा डीसी, ये डीसी का पार्ट हमारा आ गया। ओके, तो हमारा जो मॉड्यूल है वो किसके ऊपर है ना, डीसी मशीन के ऊपर है। हम पढ़ेंगे किसके ऊपर, अभी हम जो नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे वो होगा डीसी जेनरेटर। ओके, डीसी जेनरेटर के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो ये जो डीसी मशीन है, तो डीसी मशीन को अभी अभी हम पार्ट किसके पार्ट में आ गए ना, एसी और डीसी से हम सिर्फ ओनली डीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो डीसी में क्या होता है ना, डीसी मशीन को हम तीनों कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक क्या क्या होता है ना, सेल्फ एक्साइटेड मशीन। सेकंड वाला क्या होता है ना, फर्स्ट वाला जो है ये सेल्फ एक्साइटेड मशीन है, सेकंड वाला जो है वो क्या है ना, सेपरेटली एक्साइटेड
मशीन, और थर्ड वाला जो है वो है परमानेंट मैग्नेट मशीन है। फास्ट फास्ट में जो है सेल्फ एक्साइटेड मशीन, वो क्या होता है ना, उसमें जो मशीन को रन करने के लिए वो किसी दूसरे चीज का के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो खुद ही वो मशीन को रन करता है, सेल्फ ही वो रन मशीन को स्टार्ट कर सकता है। जो सेल्फ एक्साइटेड मशीन होता है, जो सेपरेटली एक्साइटेड होता है, वो अपने आप काम नहीं करता है, उसको काम करने के लिए एक दूसरे सर्किट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, ठीक है। और परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है ना, परमानेंट मैग्नेट में हम क्या करते हैं ना, जो स्टार्टर, जो स्टार्टर पार्ट है उसको, वो क्या होता है ना, परमानेंटली मैग्नेट हो जाता है, ठीक है। जो स्टार्टर, जो पोल, पोल का जो होता है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, जितना भी पोल होता है उस, वो क्या होता है ना, हम दूसरे जो भी मशीन है, सेल्फ एक्साइटेड मशीन हो या सेपरेटली एक्साइटेड मशीन हो, वहां पर क्या करते हैं ना, मैग्नेटाइज करते हैं उसको, ठीक है। पर परमानेंट मैग्नेट मशीन में क्या होता है, वो पहले से ही मैग्नेटाइज होके रहता है। तो उसका वो मेरिट क्या है ना, वो एक कंस्टेंट सोर्स हमें प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है। और हमें सिर्फ एनर्जी किसको देना है ना, रोटर को ही सिर्फ एनर्जी देना है, स्टार्टर को एनर्जी देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही मैग्नेटाइज होके हो चुका है, ठीक है। तो इस हमें सिर्फ किसको देना है ना, हमें सिर्फ रोटर को ही एनर्जी एनर्जी देना है। और इसका डीमेरिट भी एक है, डीमेरिट क्या है ना, यहाँ पर हम स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं ना, जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज को ही हम वेरी करते हैं, है? तो वो जो स्टार्टर वाइंडिंग में क्या होता है ना, स्टार्टर वाइंडिंग का वोल्टेज ही हम वेरी करते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, जो स्टार्टर वाइंडिंग है, जो पोल पोल का वाइंडिंग है, वो पहले से ही फिक्स्ड है, तो वहां पर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ओके? तो ये था आज का क्लास था। तो नेक्स्ट क्लास से, ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास था, तो नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे ना, इसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन डीसी मशीन का हम पढ़ेंगे। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना,